अब पमम अमत पंचायत प्रतिनिधि ईमानदार छवि वाला होना चाहिए, सभी पंचायत पर गांव का विकास संभव है। ये बात मंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव चेतराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने से पहले चुनावों में उतरे प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की सही ढंग से जाँच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर प्रत्याशी की पिछले एक दशक की मतदाता जाँच पर करें, उसके बाद ही अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि पंचायत हमारी ग्रास रूट की इकाई है और प्रदेश का विकास पंचायतों पर ही निर्भर करता है, इसलिए मतदाताओं से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सही उम्मीदवार का चयन करें। चेतराम ठाकुर प्रदेश महासचिव, इस अवसर पर देवेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। जी सर, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। तीन स्तरीय ढांचे में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और इसमें प्रत्याशी कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल प्रदेश के मतदाताओं के सामने है। मेरा तजर्बा है, मेरा ये मानना है और तजर्बा है कि कैंडिडेट उसमें जो प्रत्याशी है वो उसी को चुनना चाहिए जिसका जो 10 साल का पिछला 10-12 साल का रिकॉर्ड उसका देखा जाना चाहिए कि उसका व्यवहार किस प्रकार से है, ईमानदार है, बेईमान है या झूठ बोलता है। आधे से अपना काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर इसके ऊपर हम फोकस करें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, 10 साल का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बहुत सारा काम मतदाताओं का वहाँ ख़त्म हो जाता है। दूसरे, उसमें जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें काम करने की इच्छा होनी चाहिए, काम करने का जुनून होना चाहिए, शौक होना चाहिए। उन्हीं आदमी को अगर चुने, मान लीजिए मुझे चुन लिया गया, मेरा शौक है नहीं काम करने का, तो मेरा किया न किया बराबर है, मुझे चुन के कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और 5 साल वैसे बीत जाते हैं। जबकि पंचायती राज संस्थाओं में एक वार्ड पंच, वार्ड का जो एरिया है उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर मान लीजिए पंच को ही शौक नहीं है, मान लीजिए फुर्सत नहीं है, शौक नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं काम करने की, तो लोगों का उस एरिया में करोड़ों रुपया ख़त्म हो सकता है। इसलिए चयन करती दफ़े मतदाताओं को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात पार्टी से ऊपर उठ कर भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब मान लीजिए कोई कांग्रेस का आदमी है लेकिन उसका पास्ट ट्रैक बेईमानी से भरा हुआ है, तो वो कहाँ डालेंगे हम? बीजेपी की बात है, बीजेपी समर्थित है, लेकिन उसका पास्ट जो ट्रैक है, 10 साल का जो रिकॉर्ड है, बहुत गंदा है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, हेराफेरी करता है, तो आप रातों रात अगर ऐसे आदमी को चुनेंगे तो वो थोड़ी बदल जाएगा, वो और ज़्यादा हेराफेरी और बदमाशी करेगा लोगों के साथ। तो इसलिए मैंने देखा जहाँ जहाँ भी प्रतिनिधि ठीक नहीं चुने जाते हैं वहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं, और परेशान सबसे ज़्यादा जो होते हैं लोग होते हैं, गरीब लोग परेशान। तो इसलिए मैंने देखा जहाँ जहाँ भी प्रतिनिधि ठीक नहीं चुने जाते हैं वहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं, और परेशान सबसे ज़्यादा जो होते हैं लोग होते हैं, गरीब लोग परेशान होते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं काफ़ी 35 साल से पंचायती राज में हूँ, पंचायत का प्रधान बना, पंचायत समिति का मेंबर बना, 2 जगह से पंचायत समिति का चेयरमैन रहा, तो मैंने इस सिस्टम को बड़े बारीकी से देखा। और दूसरी बात, इसमें यूनानिमस हो, भाई पंचायतें हमारी यूनानिमस होनी चाहिए, इसमें दोनों पहलू हैं। यूनानिमस के फेवर में मैं इसलिए हूँ क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, वार्ड शांति का माहौल रहता है, और लड़ाई झगड़े इसमें आपस में खींचातानी नहीं, ये एक पहलू है। मगर साइमल्टेनसली जहाँ पर यूनानिमस जो पंचायतें बनती है वो बिल्कुल डल हो जाती है, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है, विकास नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए पूरी पंचायत, मैंने 2 दफ़े जब मैं चेयरमैन रहा, 2 दफ़े, एक दफ़े 5 पंचायतें, एक दफ़े 7 पंचायतें, मेरे दखल से 7 पंचायतें निर्विरोध स्वराज की चुनी गई। चुनी तो गई हो मगर वो ऐसे न का उसे बैर का, न का उसे दोस्ती वाला हिसाब उनका, और न किसी को बोल सकते, यूनानिमस चले हुए,
और डेवलपमेंट इसमें इफेक्ट की। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के इशू के, उनको लड़ने देना चाहिए।